अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक वेदरिंग है। ठीक है, वेदरिंग का वर्ड जो है इससे आप फेमिलियर हैं। जब हमने रॉक्स की बात की थी तो हमने बात की थी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है वेदरिंग के नतीजे में। ठीक है, जो ऑलरेडी एक सेडिमेंट्री रॉक होती है उसकी वेदरिंग होती है, ब्रेक डाउन होती है, फिर वो जो है वो वेदर्ड मटेरियल फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, डिपोजिशन होती है, लिथिफिकेशन होती है, सीमेंटेशन होती है, ये सब कुछ होता है, तो फिर जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। जो सेडिमेंट्स बनते हैं वो वेदरिंग के नतीजे में बनते हैं। इसी तरह वेदरिंग ही के प्रोसेस से स्टूडेंट सॉइल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि मिट्टी जो है वो पहाड़ों से आती है, तो ये वेदरिंग के नतीजे में ही पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन देखें तो वेदरिंग डिस्क्राइब्स द ब्रेकिंग डाउन और डिजॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, वाटर, आइस, एसिड्स, सॉल्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड चेंजेस इन टेम्परेचर आर ऑल एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। यानी ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, पानी, हवा, बर्फ, टेम्परेचर, प्रेशर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सर्टेन केमिकल्स, ये हैं जो वेदरिंग करते हैं। इनकी वजह से एक रॉक में वेथरिंग इनिशिएट होती है। ठीक है, अच्छा, वंस अ रॉक हैज बीन ब्रोकन डाउन, यानी वेथरिंग हो गई, ब्रोकन डाउन, अ प्रोसेस कॉल्ड इरोजन ट्रांसपोर्ट्स द बिट्स ऑफ रॉक एंड मिनरल्स अवे। इट्स देन वेथरिंग एक स्टैटिक प्रोसेस है। स्टैटिक प्रोसेस से मुराद ये है कि वेथरिंग वही होगी, उसी जगह रहेगी, मतलब जिस जगह रॉक है वहीं वेदरिंग होगी, इट कैन नॉट मूव। ठीक है, वेदरिंग में मूवमेंट नहीं है, लेकिन वंस द वेदर्ड मटेरियल आपके पास आ गया, मतलब पहाड़ों की वेदरिंग हो गई, ब्रोकन डाउन हो गई, अब उसकी क्या होगी, अब उसकी होगी इरोजन। इरोजन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ डेट वेदर्ड मटीरियल ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में भी सर्टेन एजेंट्स होंगे। किसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होगी उस मिट्टी की, उस सेडिमेंट्स की? पानी के जरिए, हवा के जरिए, ग्रेविटी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो वेदर्ड मटेरियल जाएंगे तो उसे आप इरोजन कहेंगे। नो रॉक ऑन अर्थ इज हार्ड इनफ टू रेजिस्ट द फोर्सेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, अर्थ पर ऐसी कोई रॉक नहीं है जो वेदरिंग जिसमें ना हो या इरोजन ना हो सके। टाइम लगता है, मतलब सालों साल हो जाते हैं, हजारों साल हो जाते हैं, मतलब जितनी सख्त रॉक होगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन होगी जरूर वेदरिंग। और होगी किन किन वजूहात से? ये ही पानी, हवा और इन्हीं वजह से इनकी वेदरिंग होगी। ठीक है, और ये वेदरिंग की है स्टूडेंट्स, जिसके नतीजे में आप जो है डिफरेंट शेप्स की रॉक्स देखते हैं। कुछ रॉक्स को आप देखें तो ऐसा लगेगा कि किसी इंसान ने उसे तराशा हो, या जैसे कोई स्टैच्यू हो, इतने सफाई से उसकी क्रेविंग हुई भी होती है। तो ये लेकिन कुदरत कर रही है, और वो कुदरत में ये फैक्टर्स आपके पानी, हवा, टेम्परेचर, एनिमल्स, प्लांट्स एंड केमिकल्स, ये फैक्टर्स हैं जो उसकी स्कल्पचरिंग कर रहे होते हैं उस स्टैच्यू की या उस शेप की। हर रॉक आप देखें, हर रॉक एक रॉक से डिफरेंट है किसी ना किसी तरह दिखने में। समटाइम्स कलर डिफरेंस है, समटाइम्स शेप डिफरेंस है, टेक्सचर डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है। ये सारे डिफरेंस जो है वो वेदरिंग के नतीजे में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अर्थ के ऊपर डिफरेंट लैंडमार्क्स जो है वो भी आपके वेदरिंग की वजह से आते हैं। यानी दुनिया में ऐसी बहुत सारी रॉक्स है जो अलग तरह की दिखती है,
जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ग्रैंड कैनियन यूएस स्टेट ऑफ एरिजोना में, तो वो पूरा ग्रैंड कैनियन वेदरिंग के नतीजे में बना है। इस तरह बहुत, जैसे हमारे पास अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो आपके पास यहाँ पर भी बहुत सारे लैंडमार्क्स हैं, जैसे एक बलूचिस्तान में है प्रिंसेस ऑफ होप, ठीक है, तो वो किस तरह, किसी इंसान ने तो नहीं बनाई, वो बनी ही इस वेदरिंग के प्रोसेस के नतीजे में। तो इस तरह बहुत सारी लैंडमार्क्स, बहुत तरह के जो है शेप्स बनते हैं आपके वेदरिंग के नतीजे में। वेदरिंग एंड इरोजन कॉन्स्टेंटली चेंज द रॉकी लैंडस्केप ऑफ अर्थ, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। वेदरिंग वेयर्स अवे एक्सपोज्ड सरफेसेस ओवर टाइम, द लेंथ ऑफ एक्सपोजर ऑफ कंट्रीब्यूट टू हाउ वल्नरेबल अ रॉक इज टू वेदरिंग, ठीक है, कितना एक्सपोज हो रही है वो, जितना ज्यादा इन केमिकल से, वाटर से, हवा से, टेम्परेचर से एक्सपोज होगी उतनी जल्दी वेदरिंग होगी। इसी तरह उनका शेप कैसा है, यानी रॉक का शेप कैसा है, रॉक का शेप ऐसा है कि वो ज्यादा पानी से और हवा से कांटेक्ट में आ रही है तो उसकी वेदरिंग उतनी जल्दी होगी। ठीक है, एज इट स्मूदेज रफ शार्प रॉक सरफेसेस वेदरिंग इज ऑफ इन द फोर्थ स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है, अभी हमने बात की कि सॉइल की प्रोडक्शन वेदरिंग के नतीजे में ही होती है। अच्छा, अब जब पहाड़ जो है वो टूटता है, यानी वेदरिंग उसकी शुरू होती है, तो अभी वो उसी पहाड़ के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और वो एक ही तरह के होते हैं, एक पहाड़ में एक तरह का मिनरल होता है। तो फिर क्या होता है कि जो सॉइल उससे बन रही होती है वो अभी इनिशियल स्टेज की सॉइल होती है, यानी इनफर्टाइल होती है, वो ऐसी सॉइल नहीं होती कि उसके अंदर कोई जरखेज जमीन कर सके, वो सॉइल नहीं, अभी वो इनफर्टाइल होती है क्योंकि अभी उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। सॉइल हमेशा जो है, अगर आप सॉइल का कंस्ट्रक्शन देखें, सॉइल का फॉर्मूला देखें, तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जैसे चंक्स ऑफ प्लांट्स उसमें होते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होता है, और भी बहुत कुछ उसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल शामिल होता है, तब जाके वो एक सॉइल बनती है और एक फर्टाइल सॉइल बनती है। तो जब वेदरिंग होती है तो उस वक्त तो वो जो सॉइल उससे बन रही होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती। फिर क्या होता है, इरोजन के जरिए जब उसके अंदर डिफरेंट चीजें मिलती जाती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसमें और चीजें जब मिक्स होती है तब जाकर वो फर्टाइल बनती है। इसी तरह एक रॉक की जो सॉइल है, फिर वो आगे चल के दूसरी रॉक की सॉइल उसमें जब मर्ज होती है, मिलती है, मिक्सिंग होती है, तब जाके सॉइल बनती है फर्टाइल सॉइल। तो अगर टाइप्स की बात करें तो वेदरिंग इज ऑफन डिवाइडेड इनटू द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग को अगर ब्रॉडली डिस्क्राइब किया जाए तो दो तरह की है, एक मैकेनिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग कह लें, और एक होती है केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, वो जो है असिस्ट कर रही होती है केमिकल वेदरिंग को भी और मैकेनिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में आपके प्लांट्स एनिमल्स आ जाते हैं और उनकी वजह से भी वेदरिंग किसी हद तक हो रही होती है, लेकिन जो मेन मेजर प्रोसेस है वो मैकेनिकल है और केमिकल है, और बायोलॉजिकल उसके अंदर दोनों वेदरिंग में अपना अपना एक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग आल्सो कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग एंड डिसएग्रीगेशन कॉजेस रॉक टू क्रम्बल। अच्छा, फिजिकल वेदरिंग में आपका सबसे पहले अगर बात की जाए तो वाटर आ जाता है। वाटर एक फिजिकल जो है फैक्टर है, और पानी की वजह से वेदरिंग बहुत होती है। अगर आप किसी कोस्टल एरिया को देखें, ऑक्सबे साइड को देख लें, तो एक बड़ा सा पत्थर है और उसको भी अगर लहरें जो है वो
लहरें उससे टकराती हैं, समंदर का पानी उससे टकराता है, टकराता रहता है, टकराता है। एक अगर है वो पत्थर भी टूट फूट के बिखर जाता है। तो पानी में बहुत ताकत है और वो पानी जो है हर जगह से अपना रास्ता बना सकता है, पहाड़ों को चीर सकता है। तो वाटर इन इधर लिक्विड और सॉलिड फॉर्म इज ऑफन अ की एजेंट ऑफ मैकेनिकल वेथरिंग। फॉर इंस्टेंस लिक्विड वाटर कैन सीप इन टू क्रैक्स एंड क्रेविसेस इन रॉक्स। इफ टेम्परेचर ड्रॉप लो इनफ द वाटर विल फ्रीज। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपेंड्स द आइस एंड वर्क्स एज अ वेज। अरे ये पढ़ रहे हैं आप, ठीक है मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। देखिए एक तो लिक्विड वाटर से तो होती ही है, जब पानी टकराता है तो उसकी फोर्स से टूट फूट होती है। इसके अलावा पानी से कैसे हो सकती है? जब पानी किसी रॉक पर आता है तो रॉक में जहाँ पर कहीं डिप्रेशन होते हैं, क्रैक्स होते हैं, तो पानी उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, रात होती है या सर्दियाँ होती है या किसी ऐसी ज्योग्राफी पर वो रॉक मौजूद है जहाँ पर टेम्परेचर अप डाउन चलता रहता है, दिन रात में बदलता रहता है, तो इसमें ये होता है कि वो पानी जम जाता है। अब पानी जब जम जाता है तो वो एज अ वेज काम करता है, ठीक है। जब जमी हुई बर्फ जो है वो रॉक्स को अंदर से प्रेशर दे के और क्या करती है, मजीद रॉक को ढकेलती है और क्रैक बड़ा होता है। फिर क्या होता है, जब टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है, दिन होता है, तो वो बर्फ पिघल के पानी बन जाती है। अब चूंकि उसने एक क्रैक ऑलरेडी वाइडेंड चौड़ा कर दिया था तो पानी और नीचे तक जाएगा, ठीक है, और सीप करेगा, रॉक के अंदर जाएगा और क्रैक्स में जाएगा, डीप जाएगा, पिघला हुआ है ना चूंकि वो। अब दोबारा जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कम होगा, तो वो दोबारा जम जाएगा और फिर वो मजीद फोर्स से उस क्रैक को और वाइडन करेगा। इस तरह रॉक्स के अंदर ही अंदर पानी जाता जाएगा और ये फ्रीज थॉ साइकिल कहलाता है, जमना पिघलना, जमना पिघलना, जमना पिघलना, ठीक है। तो इसके नतीजे में भी रॉक जो है वो अंदर से वीकेंड होती है और वेदरिंग होती है। इस प्रोसेस को आप फ्रॉस्ट वेदरिंग भी कह सकते हैं और क्रायो फ्रैक्चरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर चेंजेस कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मैकेनिकल वेदरिंग इन अ प्रोसेस कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। एक तो देखिए टेम्परेचर ने यहाँ वाटर वाले में भी अपना किरदार अदा किया और एक डायरेक्ट भी टेम्परेचर का असर होता है। ये जब टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, हीट होती है, तो रॉक जो है वो एक्सपेंड होती है, और जब टेम्परेचर कम होगा तो रॉक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी रॉक्स में क्रैक पड़ते हैं और वेदरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये ज्यादातर जो है वो डिजर्ट में आपको देखने को मिलेगा, सहराओं में देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि सहराओं में शार्प टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। सहराओं में दिन में शदीद गर्मी और रात में शदीद सर्दी होती है, तो इस तरह वहाँ की जो रॉक है वो ज्यादा वेदरिंग का शिकार होती है, इसीलिए वहाँ पर ज्यादा सैंड मौजूद है, रेत मौजूद है। ये जो सारी डिटेल्स है वो आप पढ़ लीजिएगा। चेंजेस इन प्रेशर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एक्सफोलिएशन ड्यू टू वेदरिंग इन अ प्रोसेस कॉल्ड अनलोडिंग ओवरलाइंग मटेरियल आर रिमूव, ठीक है। ये प्रोसेस शीटिंग का कहलाता है, प्रेशर की वजह से भी होता है स्टूडेंट। देखिए जैसे जैसे ऊपर की रॉक फारे होती जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ऊपर से जब फॉइल हटती जाएगी, रॉक का पार्टिकल हटता जाएगा, तो क्या होगा, नीचे वाले रॉक के ऊपर से प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर कम होता जाएगा, तो उसकी वजह से रॉक फिर एक्सपेंड हो सकेगी। देखिए किसी चीज को सॉलिड रखने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा के रखते हैं, और जब हमें उसे लिक्विफाई करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर से प्रेशर कम कर देते हैं। जब प्रेशर कम कर देते हैं तो उसको
एक्सपेंड होने का मौका मिल जाता है। जब एक्सपेंड होने का मौका मिलेगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, तो फिर उसकी जो है वेदरिंग और अच्छे से हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है शीटिंग का। इसके अलावा अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग अकर्स व्हेन क्ले और अदर मटेरियल्स नियर रॉक एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, पानी से हो रहा है ये भी। इसमें क्या हो रहा है कि रॉक पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि वो रॉक स्वेल हो जाएगी। एक स्पंज है, उसके अंदर आप उसको पानी में रखें तो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फूल जाएगा। तो जब फूल जाएगा तो उसके अंदर की जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, एक तरह से वो वीक हो जाएंगे अगेन, और उनके अंदर दरमियान फासला हो जाएगा, वीक हो जाएगा वो, और उसकी वेदरिंग फिर होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह भी वेदरिंग होती है। सॉल्ट जो है, नमक, उससे भी वेदरिंग होती है। नमक के जरिए जो वेदरिंग होती है वो हेलोक्लास्टी कहलाती है। हेलो मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट वाटर जो है समंदर का पानी है, नमकीन पानी जो है, जब वो किसी रॉक पर चला जाता है तो फिर क्या होता है, पानी तो एवापोरेट हो जाता है, पीछे सॉल्ट छोड़ देता है। अब वो जो पीछे सॉल्ट छूट जाता है तो नमक में ये काबिलियत होती है कि वो क्रैक्स प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि नमक जो है वो रॉक में से पानी को जो है वो खींचना शुरू कर देता है, और वो पानी को अपनी तरफ निकालेगा तो रॉक्स का पानी खत्म होगा और उसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग में ये चीज आ जाती है, और वो मैकेनिकल वेदरिंग को कैसे असिस्ट करते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो जो है जर्मिनेट करते हैं, और इसके अलावा जो प्लांट या ट्रीज की जड़ें होती हैं वो रॉक्स में पेनिट्रेट करती है, जड़ें जमीन के अंदर फैलती जाती है और जमीन की के अंदर को खोखला करती चली जाती है। तो इस तरह बहुत अरसे बाद, मतलब ये कोई 2-4 साल का प्रोसेस नहीं है, सालों साल का प्रोसेस होता है, इस तरह इस तरह फिर जमीन जो है वो वीकन होते हैं अंदर से और वेदरिंग इनिशिएट हो जाती है। इसी तरह एनिमल्स अपना किरदार कैसे अदा करते हैं, जैसे आपके पास डिफरेंट अंडरग्राउंड लिविंग एनिमल्स होते हैं, टनल्स में रहते हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, मोल्स हैं, और इसके अलावा अर्थ वॉर्म्स हैं, ये सब जमीन के अंदर रहते हैं, मूव करते हैं, खुदाई डिगिंग करते हैं, कुछ एनिमल्स जमीनों को खोदते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, सुरंगों में रहते हैं, तो उनकी वजह से भी जमीन के रॉक्स के अंदर वीकनिंग होती है और वेदरिंग होती है। अच्छा, बात करते हैं हम केमिकल वेदरिंग की। केमिकल अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने मैकेनिकल वेदरिंग की या बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात की, फिजिकल वेदरिंग की, उसमें हो ये रहा है कि जो पेरेंट रॉक है बस वो टूट रही है। ठीक है, यानी ये इस तरह समझ लें कि आपने कोई फल लिया और उसको जूसर में डाल दिया, तो वो क्या हुआ, सिर्फ जर्रात में कन्वर्ट हो गया, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बस टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन केमिकल वेदरिंग में स्टूडेंट्स आपके मिनरल्स जो है ना वो चेंज होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला ही जो है वो रॉक्स का चेंज हो जाया करेगा। केमिकल वेदरिंग चेंजेस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। केमिकल वेदरिंग इज व्हाट हैपेंस व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन डाउन एंड केमिकली ऑल्टर्ड। ठीक है, यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड दैट नो टू रॉक्स लुक एग्जैक्टली द सेम। तो ये रॉक्स कैसे चेंज होती है, ये केमिकली ऑल्टर्ड होती है, तो इसलिए
चेंज हो जाती है। केमिकल वेदरिंग में आपको अच्छा, वन ऑफ द रीजंस रॉक्स लुक सो वेरीड इन देयर अपीयरेंस इज बिकॉज दे आर सब्जेक्टेड टू केमिकल वेदरिंग व्हिच इज द प्रोसेस बाय व्हिच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड्स, ये एजेंट्स हैं केमिकल वेदरिंग के। वाटर तो हर जगह आएगा। इट इज इम्पॉर्टेंट टू एम्फसाइज दैट देयर इज एन एक्चुअल केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस। रॉक्स आर नॉट जस्ट क्रम्बल्ड इन टू स्मॉलर रॉक्स, सही है, सिर्फ टूट फूट नहीं रही, दे आर एक्चुअली बींग केमिकली ऑल्टर्ड। इन अदर वर्ड्स, आफ्टर केमिकल वेदरिंग वी एंड अप विद अ डिफरेंट सब्सटेंस देन द वन वी स्टार्टेड विद। ठीक है, यहाँ पर जहाँ वेदरिंग से शुरू हुई तो उस वक्त कुछ और था और आपकी अब प्रोडक्ट कुछ और होगी। अच्छा, सबसे पहले आप देख ले केमिकल वेदिंग में कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में जो मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर, वाटर भी हवा में मौजूद होता है, वाटर वेपर, या फिर वो रॉक्स पे भी मौजूद होता है, कंबाइंड विद वाटर इन अ प्रोसेस कॉल्ड कार्बोनेशन का प्रोसेस कहलाता है। और ये एक वीक एसिड प्रोड्यूस करता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, फिर रॉक्स को खाना, डिजॉल्व करना शुरू कर देता है। कार्बोनिक एसिड स्पेसिफिकली इफेक्टिव एट डिजॉल्विंग लाइमस्टोन, चूना, जो चूने की जो रॉक्स हैं उसके ऊपर इसका काफी इफेक्ट देखने में आता है। अच्छा, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एसिड बना, फिर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक है इसके साथ ये जो है वो कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन हो गया, इस रॉक के ऊपर कार्बोनिक एसिड आ गया, तो फिर ये कैल्शियम अलग और ये अलग, तो इस तरह ये केमिकली ऑल्टर्ड हो गया। अच्छा, कार्बोनेशन, यही वजह है स्टूडेंट्स कि समंदरों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हवा में ज्यादा है तो समंदरों में भी एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक बहुत बड़ा सिंक जो है समंदर है, तो समंदर में ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके कार्बोनिक एसिड बनाती है, और समंदर के अंदर जो लाइफ है, कैल्शियम कार्बोनेट वाली जो लाइफ है, जैसे कोरल्स हैं, शेल्स हैं, उसको डिजोल्व करना शुरू करते, तो इसी वजह से समंदरों में जो हमारे कोरल रीव्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, तो पानी के जरिए टूटना, किसी रॉक का पानी के जरिए टूटना। देखिए, एक चीज है फिजिकली टूटना, वो अलग है, और ये केमिकली टूटना है। व्हेन विथ केमिकल वेदिंग ऑफ रॉक, रेन वाटर को अगर आप ले ले पानी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अच्छा, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस फेल्सपर विच कैन बी फाउंड ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की रॉक में फेल्सपर होता है चेंजिंग टू क्ले, और वो क्या बन जाता है, क्ले बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। यानी फेल्सपर की रॉक के साथ जब पानी मिलेगा तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे और फिर क्या होगा, वो क्ले बन जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल है ऑर्थोक्लेस की, ये एक रॉक थी, उसके साथ पानी का रिएक्शन हुआ, पानी ने इसकी लिसिस की, हाइड्रोलिसिस की, और ये आपको एसिड फिल्ड क्ले मिल गया और ये अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह फेल्सपर एक रॉक थी, इसके साथ वाटर मिला और उसकी लिसिस हो गई फेल्सपर की, और क्ले मिनरल अलग हो गए, तो ये एक केमिकल ब्रेकिंग है। पानी के जरिए जो फिजिकल ब्रेकिंग होगी उसमें क्या होगा, मटेरियल चेंज नहीं होगा। फेल्सपर की अगर फिजिकल पानी, फिजिकल वेदरिंग हो गई तो उसके अंदर वो फेल्सपर ही रहेगा, बस छोटे छोटे पीसेस में टूट के इधर उधर बिखर जाएगा। लेकिन जब फेल्सपर की केमिकल वेदरिंग होगी तो फेल्सपर अब फेल्सपर नहीं रहा, अब वो क्ले बन गया। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कॉफी की। कॉफी
कॉफी के ग्रेन जब आप लेते हैं तो वो कॉफी के ग्रेन होते हैं, लेकिन जब आप उसमें पानी ऐड करते हैं तो अब वो चेंजेस हो जाती है इसमें, उस पानी की वजह से कॉफी ग्रेन्स की हाइड्रोलिसिस हो गई और केमिकली आपको ये सब एक अलग चीज मिल गई। इस तरह कॉफी बनती है, यानी मटेरियल कुछ और था और बाद में प्रोडक्ट कुछ और हो गई। इसी तरह एक प्रोसेस है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का, केमिकल वेदरिंग की बात कर रहे हैं, एक कार्बोनेशन था, एक हाइड्रोलिसिस हो गया और अब एक ऑक्सीडेशन हो गया, इसकी वजह से भी जो है वो पहाड़ों की ब्रेक डाउन होती है। अनदर टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, ठीक है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज द प्रोसेस दैट कॉजेज रस्ट। ये जो जंग लगता है, रस्टिंग होती है, वो ऑक्सीडेशन से होती है। ऑक्सीडेशन जो है वो लोहे को जो है वो जो रस्ट कर सकती है, तोड़ सकती है, उसे खराब कर सकती है, तो रॉक्स को भी पहाड़ों को भी कर सकती है। लोहा भी तो आपका रॉक से ही आ रहा होता है ना। तो मिसाल के तौर पर फेरस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिला तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, चेंज हो गया। मैग्नेटाइट के साथ ऑक्सीजन मिला तो हेमाटाइट बन गया, हेमाटाइट के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो लेमोनाइट बन जाएगा। तो ऑक्सीजन जब भी मिलेगी तो रस्ट फॉर्म होगा। अब आप इसी को देख रहे थे, एक रस्ट क्या होता है, एक अच्छी भली चीज होती है, एक अच्छा भला आयरन शीट होती है, पीस होता है, बड़ा सा लोहे का पाइप होता है, उसके ऊपर अगर रस्ट लग जाए, जंग लग जाए, तो क्या होता है, आहिस्ता 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 वो भुरभुरा होकर झड़ता चला जाता है, झड़ता चला जाता है, झड़ता चला जाता है। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज को सिर्फ ऑक्सीजन के रिएक्शन ने कैसा खोखला कर दिया। सेम प्रोसेस गो विथ सेम प्रोसेस गोज विद आपकी रॉक्स। अनदर केमिकल प्रोसेस इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, ये भी पानी से होता है, इसमें पानी किसी चीज को तोड़ नहीं रहा बल्कि पानी उस चीज के साथ शामिल होकर उसको कुछ और बना दे रहा है। हाइड्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग इन विच द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द मिनरल आर चेंज एंड चेंज एज इट इंटरैक्ट विद द वॉटर, ठीक है। इसमें मिसाल है हाइड्रेशन की, मिनरल एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद ग्राउंड वाटर, द वाटर ट्रांसफॉर्म एनहाइड्राइड इंटू जिप्सम, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल इन अर्थ। जिप्सम द मोस्ट कॉमन मिनरल अर्थ है और ये पानी की एब्जॉर्प्शन से बनता है, यानी एनहाइड्राइड, ठीक है, ये एक मिनरल है, इसके साथ वाटर मिला और वाटर अलग नहीं हुआ बल्कि ये दोनों ने मिलकर एक नई प्रोडक्ट बना ली, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। ये अलग मिनरल था और ये अलग मिनरल है, पानी इसके अंदर एब्सॉर्ब हो गया है। इसी तरह हेमेटाइट जो है एक मिनरल है, रेड कलर का है और उसके साथ सिर्फ पानी मिल गया तो वो लिमोनाइट बन गया और वो येलो कलर का हो गया। यानी एक रॉक ये थी और इस रॉक ने सिर्फ पानी के साथ मिलकर ये रॉक बना दी, ठीक है। स्टूडेंट ये वेदरिंग और वेदरिंग थी, एरोजन यही है कि एरोजन में ये जो वेदर्ड मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे, तो पानी के जरिए होंगे या तो या हवा के जरिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये एरोजन का प्रोसेस कहलाएगा और फिर वो कहीं जाकर डिपॉजिट होंगे, जहाँ जाके डिपॉजिट होंगे तो वो जगह पर फिर आपकी नई सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। लोगों का वेदरिंग से क्या ताल्लुक है, हमारा क्या ताल्लुक है इससे, एंथ्रोपोजेनिक क्या फैक्टर्स आते हैं वेदरिंग में। वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, हमेशा से हो रहा है, एज अर्थ की जितनी भी एज है तब से वेदरिंग भी शुरू है और हो रही है, लेकिन हमने इसे कैसे बढ़ा दिया है स्टूडेंट, इंसानों ने, हमने क्या किया है, हमने ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और दूसरी एक्टिविटीज हमने इसको स्पीड अप कर दिया है। कैसे, हमने एयर पोल्यूशन बढ़ा दी है, बर्निंग कोल, नेचुरल गैस, हमने ये सब कुछ बढ़ा दिया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बहुत यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हवा में डिफरेंट केमिकल्स ज्यादा जा रहे हैं। डिफरेंट केमिकल्स से क्या मुराद है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड,
तो ये जब हवा में जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे कार्बोनेशन है, ऑक्सीजनेशन है और नाइट्रिफिकेशन है, ये सब कुछ हो रहा है, और हवा में बन रहे हैं एसिड। एसिड जब बनता है तो फिर वो एसिड रॉक्स को डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है। एसिड बनने के बाद जब बारिशें होती है तो एसिड रेन हो जाती है। वो एसिड रेन क्या होती है, रॉक्स को क्रम्बल करती है, ज्यादा करती है, वेदरिंग को इनहांस करती है। तो यहाँ यही बातें लिखी हुई है, आप पढ़ लें। एसिड रेन रैपिडली वेदर्स लाइम स्टोन, मार्बल एंड अदर काइंड ऑफ स्टोन। एसिड रेन आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टेच्यूज जो है, स्कल्पचर्स जो है दुनिया में, वो एसिड रेन की वजह से खराब हो रहा है। आपकी बिल्डिंग्स खराब हो रही हैं एसिड रेन की वजह से, कंस्ट्रक्शन सारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, हेरिटेज साइट्स जो है वो खराब हो रही है आपकी, अगर आर्किटेक्चर, ये तमाम आपकी जो डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो खराब हो रही हैं। तो एसिड रेन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और एसिड रेन करने वाले हमें। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको अब एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, और वो वीडियो में भी वेदरिंग के ऊपर ही बात है। अभी जो हमने बात की वो वही है, लेकिन वो विद एनिमेशन है, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। The Earth's surface consists of a variety of landforms such as mountains, plateaus, plains, and valleys, which are constantly changing due to the processes brought about inside the Earth, as well as on its surface. One such process is weathering. Weathering is the process of wearing away or breakdown of rocks by the various agents present in the atmosphere, such as temperature changes, moisture, frost, etc. Weathering is a static process, which means that the rocks break up where they stand and the broken pieces remain at the same location. There are three types of weathering processes. The first process, called mechanical weathering, is a physical process during which the rock gets broken into smaller pieces, each retaining the characteristics of the original rock. Mechanical weathering can occur in many ways. Extreme temperature changes can cause the rock to break, especially in very hot and dry regions like deserts. During the day, the surface of the rocks gets extremely heated, causing them to expand. Whereas at night, the temperature cools down, causing the rocks to contract. This continuous expansion and contraction causes the rocks to crack and eventually break. Another factor that causes mechanical weathering is frost. In cooler regions, water that fills up in the cracks of the rocks freezes and turns into ice at night. Freezing of water results in its expansion by about one-tenth of its volume, which causes rocks to crack. During the day, the ice melts and water seeps further into the cracks. Month after month, year after year, water freezes and thaws over and over again, creating larger cracks in the rocks, which causes them to break or crumble. The second type of weathering is called chemical weathering. Chemical weathering includes the effect of
weathering on the materials that the rocks are made up of. Water is the main agent of chemical weathering. It is inactive in its pure form, but even small amounts of dissolved substances like chemicals can make it very active. For example, carbon dioxide from the atmosphere or decaying matter combines with water and a weak acidic solution is formed. This solution dissolves limestone and calcium carbonate present in rocks, causing them to crack. In built-up areas, rain gets dissolved with industrial gases such as nitrogen oxide and sulfur dioxide, causing acid rain. Acid rain causes widespread damage to soil, plants, buildings, and monuments. Iron compounds present in rocks also combine with water to form iron hydroxide, which results in the breaking up of rocks. The third type of weathering is called biological weathering, which includes the effect of animals and plants on the landforms. For example, tree roots may grow into the cracks in the rocks in search of nourishment. As the roots grow, they exert great pressure on the rocks, causing them to break. Burrowing animals also contribute actively to the process of weathering. Rodents, insects, as well as worms loosen the material and expose more rocks to the other agents of weathering, such as temperature. Let us understand the effects of weathering. The main effect of weathering is the process of soil formation. When a rock is exposed to the atmosphere, it gradually begins to break up because of the process of weathering. The broken down pieces of the rock eventually form a loose layer, which is called soil. Soil formation is a very slow process and it takes thousands of years. A well-developed soil is formed only when the weathered particles of rocks remain undisturbed in one place for a long period of time. There is no transportation involved in the process of weathering, which just prepares the material which is transported by gradation. That is, the process of erosion and deposition. Erosion is the wearing away of rocks by agents of gradation, such as running water, moving ice, wind, and waves. Eroded material is then transported from one place to another by the agents of gradation and gets accumulated, eventually giving rise to new landforms. Thus, we conclude that weathering is one of the most important natural phenomena that keeps changing the Earth's physical appearance constantly.